तो मैं हम जरहिला कला गांव में हैं, जहाँ यादव बस्ती हैं, और यहाँ पर बारिश के दिन में नाला का पानी भर जाता है, जिससे बहुत ही मुसीबत है। और काश्तकार भी परेशान है, प्रधान जी भी हैं। और आइए हम काश्तकार से ही जानते हैं कि कैसे सड़क बनवाना चाहते हैं, क्या करते हैं। अपना परिचय बताइए भाई। मेरा नाम आनंद कुमार यादव है जी। मैं कुटाना निवासी हूँ। हमारा समस्या ये है, इधर ये हमारा नंबर है, मैं अपने नंबर में से सड़क देना चाह रहा हूँ, चार छः परिवार इससे जुड़ी है। उधर ग्राम सभा की गड्ढा है, गड्ढा में से सड़क निकलवा के हम RCC में मिलवाना चाह रहे हैं, और जो शेष बच रहा उसका हम लोग गड्ढा करवा दे रहे हैं, जिससे हम लोग का पानी जो है उसमें समाहित हो जाए। इसके साथ साथ उसका पानी निकासी पुलिया के माध्यम से जाता था, जो पुलिया सभी लोग बंद कर दिए हैं। मतलब उस पुलिया से किस पुलिया में जाएगा, उसका नाम बताइए। पुलिया से दूसरा गड्ढा है, तालाब है, उसमें अटैच था। अच्छा, जिसको सब पुलिया बंद कर दिए हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें से अटैच करवा के उसमें पानी। कौन कौन लोग बंद किए हुए हैं बता सकते हैं हमसे? अच्छा हाँ, प्रधान जी बताइए। मेरा नाम गोपाल सिंह है, उत्प्रवीण सिंह। मैं ग्राम जरहिला कला का प्रधान हूँ, जो ब्लॉक जलालपुर में आता है, तहसील कराका था जी। तो आप जहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ पर खड़े मौजूद हैं इस समय, इसकी अराजी नंबर बता सकते हैं? इसका 112 नंबर है, नहीं 152 उसका है। 152 अच्छा, तालाब 152 नंबर तालाब का है। 152 तालाब है। आपके खेत का कितना नंबर है? हमारा 153 है। 53 नंबर। और इधर जो बगल है जिसमें सरसों बोया गया है, इसका 142 नंबर है। 142 जी। तो रास्ता किधर से प्रधान जी देना चाहते हैं आप, मतलब किस नंबर से? रास्ता हम अपने 153 में से ले जाके 152 की जो ग्राम सभा गड्ढा है उसमें से होते हुए RCC में अटैच करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, मिलाना चाहते हैं जी। तो उसमें हमारा जमीन जा रहा है और सरकार की जमीन जा रही है, इसके अलावा किसी का जमीन नहीं जा रहा है वहाँ पे। ठीक, जमीन आपके नाम से है, कोई आपत्ति आपको? कोई आपत्ति नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं, नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हमें तो मजबूरी है रास्ते की। प्रधान जी, आप मतलब इस पर सहमत हैं कि ये रास्ता बनवाने के लिए? हम तो इस पर सहमत है, हम इस पर काम भी लगाए थे। तो यहाँ पे एक दबंग है, बाहुबल टाइप के हैं, उनके परिवार में 25-30 लोग हैं, डंडा लाठी और डंडे से बात कर। क्या नाम उनका, बाहुबल का? वो संजय यादव हैं, उनके पिताजी का नाम खरपत्तू यादव है, और उनका परिवार बहुत बड़ा परिवार है। ये लोग अभी एक चकमार्ग है यहाँ पे, 58 नंबर का, 98 नंबर का, उस पर जो है ये मतलब बिना किसी अनुमति के, बिना किसी से पूछे, उस पर पाइप डाल दिए। पाइप डालने के बाद मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए बाहर चला गया, तो ये रात में उसको पाट के अब बोलते हैं मेरा प्रधान क्या उखाड़ लेगा। तो बताइए, ये प्रधान को कुछ नहीं समझ रहे हैं, और प्रधान के कहने पे मैं कम से कम 7 से 8 दरख्वास्त दे चुका हूँ, और लेखपाल साहब यहाँ पे नापने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बताया जाता है लेखपाल भी नापने नहीं आते हैं। और ऊपर से जिसका मैं दरख्वास्त देता हूँ मेरे गांव में, जैसे मैं अगर किसी के नाम से दरख्वास्त दिया कि ये ग्राम समाज की जमीन कब्जा की है, इसको खाली करवाइए, तो लेखपाल जस्ट 2 दिन बाद उसके घर पे जाता है और चाय और नाश्ता पकौड़ी खा के और वहाँ से फिर चला जाता है। बताइए। आनंद यादव, ग्राम पुटाना निवासी हैं, जो जरहिला ग्राम सभा में आता है। ये पीछे जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, बांसवार भी दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो इसका अराजी नंबर आप बता सकते हैं? 152। 152 जी। ये गड्ढा है हाँ, तो बारिश के दिन में तो भर जाता होगा ये? बारिश के दिन सब पूरा भर जाता है, हम लोग के घर में भी पानी घुस जाता है, जो तमाम तरीके का बीमारी भी फैलता है। और हम लोग तो आप लोग आते जाते किधर से हैं? इसी पानी में से निकल के जाते आते हैं, मतलब उसी में से आएंगे जाएंगे किसी भी तरीके से जाते हैं। ठीक है, ये महिलाओं से भी जानते हैं। आप बताइए अपना नाम बताइए। सुदामा देवी। सुदामा देवी, पति का नाम क्या है? गोरखनाथ यादव। तो इसी बारिश के मौसम में इसमें खैर पानी तो भरा नहीं हुआ है, और आप लोगों को तो बहुत दिक्कत होती होगी आने में। बारिश में सब हलरा लगा लगा भाले पूरा, छोटे छोटे बच्चे हैं डूबने लगते हैं, नल डूब जाती है, पानी इतना ऊपर ले आया। इसे देखिए, हैंडपंप भी लगा हुआ है, इससे बीमारी बढ़ सकती है, बहुत बीमारी, और बहुत ही पानी हो जाता है, बहुत ही कष्ट है लोगों को। बारिश के समय सर ये नल का पानी दूषित हो जाता है, जैसा कि बताया जा चुका है कि काश्तकार अपनी जमीन देने के लिए तैयार है जी, लेकिन आगे कुछ लोग विवाद करना चाहते हैं, वो ग्राम सभा की गड्ढा में जबरदस्ती विवाद करना चाह रहे हैं। आइए आगे कुछ जानते हैं। वो जरहिला गाँव में एक कच्चा मकान है, कच्चा मकान देख सकते हैं, और ऊपर खपरेल भी है। क्या नाम आपका है? सुभाष। सुभाष, पिताजी का नाम?
श्रीनाथ किस गांव के हैं? कुटाना। ब्लॉक बताइए। जिला क्या करते हैं आप? यही खेती बाड़ी करते हैं। तो ये जैसे आपका कच्चा मकान है, अब पीएम आवास के लिए वरीयता है कि कच्चे मकान वालों को पहले दिया जाए, तो आवास क्यों नहीं मिला आपको? आवास सूची में नाम नहीं है कि क्या हुआ? में नाम ही नहीं होगा तभी नहीं मिला था। कोई नहीं आया ब्लॉक से? हैं भुल्लन भुल्लन आवास मिला है? नहीं। इसी में रहते हैं? ये किसका आवास है? ये आवास बहुत दिन का है। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा मतलब ग्राम पंचायत जीत चुकी है। अराजी नंबर जरा बताइए आप प्रधान जी। 193 नंबर बता रहे हैं अराजी नंबर। किस गांव में है? कुटाना ग्राम में है। कुटाना परगना बता सकते हैं? परगना मतलब परगना होता है ना, तहसील बताइए। चलिए तहसील कराकर। जिला जौनपुर। ये कितनी जमीन है लगभग यहाँ? छः डिसमिल जमीन है, लेकिन जमीन तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो क्या है इसमें विवाद जरा बताएंगे आप? विवाद है कि बहुत पहले इस पे प्रधान जी से विवाद हुआ था, तो प्रधान जी जो है इसमें अपना मुकदमा लड़े, वो कहते हैं मैं इसको जीत गया हूँ, अगर ये जीत गए हैं तो कागज़ दिखा दें, और अगर पास कागज नहीं है तो उनको थमाने दें, तो रोक टोक न हो इस पर। ठीक। ये ग्राम समाज की जमीन है, ग्राम समाज के हाथ में चली है। तो इसके लिए कभी आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया SDM को माफ़ी हुई के लिए? SDM को दिए थे ना। माफ़ी हो गई? नहीं ना, कहाँ हुई? निपासा ना आए ही नहीं ना अपने के लिए। अच्छा आए ही नहीं हमारे गांव में? हम 8 महीने से लगातार दरख्वास्त दे रहे हैं, आज तक निपाल हमारे गांव में आए ही नहीं। अच्छा। और ऊपर ऊपर रिपोर्ट लगाते हैं, सब जमीन पूरी खाली है। ठीक, आइए जानते हैं। रंजन कुमार। तो ये जो जमीन देख रहे हैं इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर, इसमें हम लोगों का 2 नंबर है। हाँ। और वो टंकी से लेकर के उस पेड़ के सीधे में ऐसे जो है बंजर है। इस तरफ जो है नंबर है, इस साइड जो है घुरगड्ढा है, मतलब इधर। हाँ, इस उत्तर इधर है ना। हाँ। उत्तर घुरगड्ढा है। और दक्षिण क्या बता रहे हैं? दक्षिण बंजर है। बंजर। और पश्चिम क्या है? पश्चिम सर इस तरफ जो है हम लोगों का जो है बाघ नंबर है। बाघ नंबर है। बाघ नंबर बता सकते हैं कितना नंबर है? अच्छा नहीं बोलो। तो क्या है विवाद? विवाद सर इसमें अपना जो पहले संडास बनाए थे, पहले इसमें सबका घुरगड्ढा था, जबरन सबको निकाल दिए कि इसको हम जीत चुके हैं। तो मायावती जब आई थी तो उस समय सर DM साहब को कहा गया, तो ये जो है संडास गिरवा दिए, और उसके बाद से अपना पाठ करके बैठ रहे हैं आप? नहीं, ये कमलेश कुमार। कमलेश। कमलेश कौन है? पूर्व प्रधान है सर, 83-84 थे प्रधान। अच्छा, आइए कमलेश जी से बात करते हैं। आप नाम बताइए अपना। कमलेश कुमार। पिताजी का नाम? सुखी। सुखी। किस गांव के पूर्व प्रधान हैं? हम गरहिया कला के पूर्व प्रधान हैं। अच्छा, किस सन में ग्राम प्रधान थे? 1982 में। सन 1982 में ग्राम प्रधान थे आप? अपने ब्लॉक में चमार जात के पहला प्रधान। पहला प्रधान, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पीछे आपका मकान है जी, प्रधानी में ही मकान बनाए थे आप? नहीं, उसके पहले का मकान बना। अच्छा, 1982 का तो मशहूर लगा। अच्छा प्रधान जी, जहाँ खड़े हैं आप, ठीक है, बताया जाता है कि ये जमीन यहाँ पे घुरगड्ढा की जमीन है जी, 153 नंबर जी, है, यही है ना? हाँ। ये जानकारी है आपको? बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो इसमें जो फूल पत्ती लगाए हुए हैं आप, सुंदरीकरण किए हुए हैं, ये भी घुरगड्ढा में है? नहीं साहब, नक्शा बता दें। हाँ बताइए। SDM CO छोटा दरोगा, बड़ा दरोगा, पुलिस, कानून, गोल्ड, लेखपाल सब लोग आके इंक्वायरी करके चल गए, पहली बात। दूसरी बात, घुरगड्ढा जो है हम आपको बता रहे हैं, ठीक 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 बताते चलिए। ईटा बड़ा हुआ, ईटा दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये गांव समाज में है जो कि आवासी घर हो चुका है। अच्छा, और इधर घुरगड्ढा है, और घुरगड्ढे पर 1982 में गांव वाले जो हमारे विपक्ष में थे, ये पद्माकर सिंह थे, सुरेंद्र सिंह थे, और सब लोग थे, इधर फूलचंद यादव थे, ये लोग मिल करके हमारे ऊपर 15 दिन बीता था। इसके बाद ये लोग 15 सी चलवा दिए
भोर सूर्योदय के पहले यहाँ बैठ करके 15-20 आदमी और 15 सी चलवा दिए। साहब वो 15 सी 2 साल तहसील में चली, इसके बाद 5 साल सियारो कोर्ट में चली और फैसला बहस के पहले कोर्ट साहब ने फाइल देखा तो इसमें ये लोग पार्टी बना दिए थे और पार्टी वालों को कोर्ट साहब ने भगा दिया, कहा कि ये तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है, आपत्तिकर्ता कमलेश सरकार से मतलब है और जब तक भाग नहीं जाओगे तब तक बहस होंगे। तो भगा के देखने बाद बहस भाई साहब हमारा जुर्माना माफ भल और हर काम जुर्माना माफ हो गया, वो जमीन आपको मिल गई जी, अब मिल गई साहब, अब तो सरकार जा रहे हैं। जुर्माना माफ होता है, जमीन नहीं मिलती, जमीन तो सरकार की ही रहती है। मार रहे हैं। तो विकास में इस समय सहयोग करेंगे जी, सन 2022 चल रहा है इस समय, 21 है, 21 का आज 30 तारीख है, ठीक है दिसंबर, अब जो है 2 दिन के बाद हो जाएगा जनवरी 22, तो उसमें आप सहयोग करेंगे ना? जी सहयोग करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? कितना खेत आपके पास है? हम लोग 1.5 बीघा। आपके पास बच्चे कितने हैं? हमारे पास 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? और एक बच्चा तो, 2 बच्चे बेरोजगार हैं, इसी तरह से कमाते खाते हैं, एक लड़का सफाई कर्मी है, ठीक, और भाई के पास 2 लड़के हैं। जो नाम बताइए? होरीदार। पिता का नाम? किस गांव के हैं? कुटाना गांव में। आप लोग अपना घूर वगैरह कहाँ फेंकते हैं? घूर गड्ढा के जगह कब्जा कर लिया। कौन कब्जा किया है? कमलेश प्रधान। कमलेश प्रधान कब्जा किए हुए हैं? अच्छा, तो कभी आप लोगों ने उनसे प्रार्थना किया? अरे वो देवाही नीचे आसमान झगड़ा करत बा, देखत नहीं पाए। अच्छा, झगड़ा करते हैं? सरकार से जीत गए, सरकार से जीत गए। ठीक। ग्राम प्रधान गोपाल प्रवीण सिंह द्वारा दिनांक 12/11/2021 को चक्रोट पैमाइश की दरखास्त दी गई, जिस पर अस्पष्ट आदेश है। एसडीएम के राकत ने स्पष्ट आदेश किया हुआ है कि चकमार की पैमाइश कर सुरक्षित करें, फिर भी लेखपाल जो है सुरक्षित चक्रोट को नहीं कर रहा है। हमको ये लग रहा है कि 10 लोग अगर इससे जाएं। गामा यादव जी, पिताजी का नाम? कतवारो। किस गांव रहते हैं? कुटाना में रहते हैं। तो जो विवाद गड्ढे में है, क्या है मतलब आपको आने जाने के लिए रास्ता है कि नहीं है? तकलीफ है साहब। कौन तकलीफ का पैदा किया है? गोरुआ ने, वही खरपत्तू। खरपत्तू संजय, खरपत्तू संजय तकलीफ पैदा किया है। अच्छा, आपके जो पशु हैं उनको भी आने जाने नहीं देते? आज में कुछ कागज लिए हुए हैं जी, और जिसको कि हम नज़दीक से दिखा दे रहे हैं। देखिए, प्रवीण सिंह का लेटर फैड है, इस पर जो है ये एप्लीकेशन लिखे हुए हैं और तहसीलदार एसडीएम का सख्त आदेश है कि चकमार की पैमाइश करके सुरक्षित करें जी। अब देखिए आगे प्रधान जी क्या वर्जन देते हैं, बताइए प्रधान जी। मैं ये दरखास्त जो है 12/11/2021 का दिया हूँ और एसडीएम साहब ने नेपाल साहब को बुला के स्वयं कहा कि इसको नाप की करो, चकमार को सुरक्षित करो। नेपाल साहब आज पूरे महीने में कभी आए ही नहीं, एक दिन आए, पता नहीं क्या हुआ, उस चकमार को जो अतिक्रमण करके संजय यादव बैठे थे वो रात को पाट दिए। अब वो भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं प्रधान को। अच्छा, यस। ये दूसरा कागज किसका प्रधान जी? ये हमारे यहाँ नवीन प्रति की जमीन है, 108/1170, इस पे कुछ दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं जिनके नाम से मैं दरखास्त दिया हूँ और इस पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पे हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे दिया तो नेपाल साहब ऊपर रिपोर्ट लगा देते हैं, 2-3 लोग का साइन लेके गांव में आके कि जमीन खाली है। अगर जमीन खाली है तो हमको नाप के दिखाएं जमीन खाली कहाँ है, तो जमीन हमारे सामने नपी नहीं रही है। वो बताते हैं पूर्व में नापी गई, तो पूर्व में प्रधान में नहीं था, मौजूदा प्रधान मैं हूँ। अगर मैं दरखास्त दे रहा हूँ तो मेरे सामने उस जमीन को नापा जाए। प्रधान जी, एक एप्लीकेशन आप और भी लिए हुए हैं जिस पर डेट स्पष्ट पड़ा हुआ है 11/11/2021। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी मैंने नाप का दरखास्त दिया, इसमें 152 नंबर गड्ढा है जो कि संजय यादव पुत्र खरपत्तू यादव इसको भी कब्जा करके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि 152 नंबर गड्ढा नहीं है, आबादी है। तो फिर हम इसको जो है एसडीएम साहब को दरखास्त दिए कि इसको नाप दिया जाए। एक दिन नेपाल आए, इधर उधर किए, उसके बाद चले गए, बोले कल आऊँगा।
और उसके बाद आज इतना दिन हो गया अभी तक कोई आया नहीं नापने के लिए, और आए दिन जो है गड्ढे को पाटते हुए चले जा रहे हैं कि मेरी आबादी है मेरी आबादी है, और उसमें कम से कम 10 परिवार जो है पानी में, बारिश में जो पानी में डूबते हैं बेचारे, घर में जो है कीड़े चले जाते हैं, जिसका वीडियो है मेरे पास, प्रमाण है सब कुछ। गांव का मैटर लोग देख के आ रहे हैं। फिलहाल जरहिरा के ग्राम प्रधान प्रवीण सिंह, उप जिलाधिकारी कराकत महोदय के पास अपनी फरियाद लेके आए हुए हैं। दबंग जो है चक्रोड खाली नहीं कर रहा है उस संबंध में। अब आगे आपको दिखाते हैं कि SDM कराकत वर्तमान में राजेश चौरसिया जी हैं, क्या करते हैं। गांव का मैटर लोग देख के आ रहे हैं।